सरगोधा से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के जेर इहतमाम सरगोधा इंडस्ट्रियल पार्क की संगे बुनियाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वफाकी वजीर बराए सनअत पैदावार तस्नीम अहमद कुरेशी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और सरगोधा इंडस्ट्रियल पार्क के संगे बुनियाद का इफ्तिताह किया। तकरीब में उम्मीदवार PP76 हाजी मतीन अहमद कुरेशी, उम्मीदवार PP78 एडवोकेट अब्दुल लतीफ़ सिंधु, सिटी सदर राणा कमर इकबाल, राणा उमैर बिलावल, मीडिया टीम, जिली जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट राणा जमशेद जम्मट, पीपल्स पार्टी जिली सदर मलक अहमद नवाज अवान, नायब सदर शेख कामरान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैंट अफसल शाहीन भुट्टा, असद अली भुट्टा, सदर कैंट मलक सदाकत अवान और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए सनअत पैदावार तस्नीम अहमद कुरेशी ने तकरीब के शुरका से खताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमतों की अदम दिलचस्पी और सियासी कशमकश के बायस ये प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार रहा, मगर इंडस्ट्रियल और ट्रेडर हजरात की दिलचस्पी और मौजूदा हुकूमत की काफियों से इंडस्ट्रियल पार्क को दोबारा बहाल किया गया। इस मनसूबे की बहाली से सनअतों को मजीद फरोग मिलेगा। तस्नीम अहमद कुरेशी का कहना था कि करोड़ों रुपए की लागत से इस मनसूबे को दोबारा बहाल किया गया, जिससे न सिर्फ सरगोधा डिवीजन के चारों इजला की ताजिर कम्युनिटी को फायदा होगा बल्कि हुनरमंद लेबर भी दस्तियाब होगी। रिपोर्ट कैमरा टीम के साथ अफजल शाहीन भुट्टा, ब्यूरो चीफ, राइट न्यूज, सरगोधा।